नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हिसार के पुलिस महकमे में डीएसपी हुए कोरोना पॉजिटिव। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके आवास पर क्वारंटाइन का पोस्टर लगाने के लिए पहुंची तो डीएसपी की पत्नी ने घर के पोस्टर को लगाने से इनकार कर दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि डीएसपी की पत्नी ने उनके साथ बदसलूकी की है और डीएसपी ने भी फोन पर उनके साथ गाली गलौज की। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अपने अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहे हैं। डीएसपी प्रदीप यादव हिसार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उनके घर के बाहर पोस्टर लगाने के लिए अधिकारियों ने उनकी पत्नी का दुर्व्यवहार, आम जनता पर लाठी डंडे बरसाकर कोरोना योद्धा बनाने वाले पुलिस कर्मचारियों पर खुद ही पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को गोली मारने तक की धमकी देते हैं। किसी नेता के घर के बाहर कोविड का पर्चा लगाने पर तबादला और अब साथ में जान से मारने का खतरा भी। ऐसे में कैसे होगा कोरोना पर कंट्रोल? इस तरह का वीडियो आम लोगों को दिखाना अशोभनीय है, लेकिन पुलिस में डीएसपी का स्वास्थ्य विभाग के साथ किस तरह का व्यवहार है ये जानने के लिए ये सब दिखाना जरूरी है। चाहे पुलिस हो या फिर स्वास्थ्य विभाग, जहाँ इनके पद और मान प्रतिष्ठा को लोगों का सल्यूट रहता है, तो इसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और गैर जिम्मेदाराना हरकतों के साथ लोग और समाज के गुस्सा को भी सहन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं पलपल की ओर से ये खास वायरल वीडियो। हेलो, राजकुमार बोल रहा हूँ, बताओ जी। हाँ तो गाड़ी मत नहीं, आपका पेशेंस है ये, गाड़ी मत दीजिए। अच्छा, ये सेंस है आपके बोलने की? हैं? ये है। हाँ जी, लिख के भी नहीं दोगे आप? आ जाओ फिर, आ जाओ आप। अब मारा फिर है, आप पुलिस फोर्स भेज दो, हमारे मार दो। आज रात है। अच्छा, लगा पुष्ट लगा, पोस्टर लगाऊंगा जी, या तो लिख के दे दो। आई जाओ फिर, आप क्या बात होगी? हम तो ऐसे नहीं जाएंगे जी, आप लिख के दे दो। हाँ, तारीख आप हमने क्या बताओ तारीख इस बात का, जो काम है हमारा हम करेंगे। ऐसे बात करो जी, आप हैं? नंबर दे दिया आपको, आप गाड़ी मत दीजिए।